नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले सेटजेल कैप्सूल के बारे में। यह किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है और किन दवाइयों के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और कौन से रोग से ग्रसित हैं तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए सेटजेल कैप्सूल है, इसमें साल्ट लिखा है, सिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें साल्ट है और यह सनोफी कंपनी की दवा है। यह दवा आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता दें यह किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए एलर्जी के लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, अर्टिकेरिया पिगमेंटोसा के लिए फ़ायदा करता है, सर्दी जुकाम के लिए फ़ायदा करता है, चर्म स्ट्रास सिंड्रोम के लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए पित्त के लिए फ़ायदा करता है, अगर आप कफ हुआ हो उसके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, नाक अगर आपका बह रहा हो उसके लिए फ़ायदा करता है, पराग ज्वर के लिए फ़ायदा करता है। तो दोस्त चलिए बताना चाहूँगा इन सभी रोग के लिए सेटजेल कैप्सूल बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसको देखिए खाना खाने के बाद दिन में एक बार इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन डॉक्टर के सलाह के अनुसार, क्योंकि यह रोग पे डिपेंड करता है कि सिंगल डोज चलाना है कि डबल डोज चलाना है। तो आप इस दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी इसका प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट जैसे आँख का आना, धुंधली दृष्टि, कब्ज, सिर में दर्द, थकान, मुंह सूखना आदि इसके कुछ साइड इफेक्ट। अगर ये सब साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आप इस दवा को बंद कर दीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, तभी दवा का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए सेटजेल से संबंधित कुछ चेतावनियां बता देते हैं। जैसे इस दवा को गर्भवती महिला ले सकती हैं, उनके लिए एकदम सुरक्षित, और स्तनपान कराने वाली महिला इसका प्रयोग नहीं कर सकती, गुर्दे वाले व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते, लीवर रोग वाले इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और हृदय रोग वाले इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए सुरक्षित सेफ माना गया है यह दवा। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी दवा के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कैफीन ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ सेटजेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्त, कोडीन ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ सेटजेल कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेंटाजोसिन ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ सेटजेल कैप्सूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एल्पिप्राजोल ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्त अब बात कर लेते हैं कौन से रोग से ग्रसित है तब इसका प्रयोग न करें। जैसे गुर्दे की बीमारी, लीवर रोग, अगर आप इन दोनों बीमारी से ग्रसित हैं तो सेटजेल टैबलेट का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्त, अब बताना चाहूँगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई, मेरे माध्यम से बताई गई, किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस चीज़ का प्रयोग करें, अदरवाइज इसका प्रयोग न करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।